हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी ऑटो सेंटर। कभी आपने इसको ओपन करके देखा है कि RR यूनिट में होता है क्या? ये बाइक का चार्जर है, हम इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं और RR यूनिट भी बोलते हैं। तो हम इसको काट के देखेंगे अंदर क्या चीज़ है, अंदर कैसे वर्क करता है अंदर से। तो हम इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे इसकी बॉडी को और अंदर देखेंगे कि अंदर क्या होता है। चलिए हम इसको काटते हैं पहले, फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। हम इसको काटेंगे ग्राइंडर से। तो गाइस हम इसको काटेंगे ग्राइंडर की मदद से। तो फ्रेंड्स, हमने इसको बॉडी से इसको अलग कर लिया है, एल्यूमिनियम बॉडी से। यहाँ पे एक अर्थिंग दिया हुआ है, बॉडी पे हम लगाते हैं अर्थिंग मिलता है ऑटोमेटिकली। इसको हम इसको निकालेंगे बाहर। यहाँ पर ऐसा अर्थिंग था, बेस की प्लास्टिक बॉडी है, इसको पूरा रबर से कवर किया हुआ है। तो इसको हम तोड़ेंगे पहले। तो भाई इसको ओपन करके रिपेयर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको इसके प्लास्टिक बॉडी को हटा के देखेंगे कि अंदर क्या है। चलो पहले हम इसके प्लास्टिक बॉडी को हटा लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है, इसके अंदर एक सर्किट दी हुई है। इसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे तो इसके जो IC और रजिस्टर जो होते हैं लगाए हुए, वो इसके अंदर ही रह जाते हैं और टूट जाते हैं सारे। तो ये फिजूल का टाइम वेस्ट है, इसको ओपन नहीं कर सकते अपन और रिपेयर भी नहीं हो सकता। ये बस ऐसी IC दी हुई है, कम्प्लीटली ओपन हो सकता है तो ये रिपेयर भी हो जाएगा आराम से, लेकिन इसको ओपन करने के ट्राई में ये पूरा टूट जाता है तो वेस्ट है पूरा। ये जो सर्किट के जो नंबर वंबर जो सभी टूट जाते हैं यहाँ पे इसको ओपन करने से। ऐसे नॉर्मली इतनी छोटी सी IC दी होती है, ये कंपनी की मोनोपोली है गाइस कि हम इसको ओपन ना करें और ओपन करने का ट्राई करें तो टूट जाए। इसके अंदर RR यूनिट में इतनी छोटी सी सर्किट होती है जो पूरा बैटरी चार्ज करती है और लाइटिंग की लाइटिंग में भी प्रॉपर पावर सप्लाई करने का मदद करती है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।